लेकिन मेरा एक वीकनेस है, ज्यादा डायबिटिक है इसलिए मैंने वीकनेस नहीं जा रहा है। ओके ठीक है। अभी तो और भी मॉल हैं जो बहुत सारे चीज को आपके शरीर से क्लीन करेगा। अच्छा अनुजी कस्तो हुनुहुन्छ? अनम्यूट गर्नु होला है, तपाईँको आवाज सुनेन होला। अनम्यूट गर्नु भएन भने सुन्दैन। हजुर, राम्रै छु म। हवस् तपाईँ हवस्। कस्तो सोचो हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ म यहाँ सबै राम्रै छु। हुनुहुन्छ त? गोवा हुनुहुन्छ कि बेङ्गलोर हुनुहुन्छ? कता हुनुहुन्छ? म बेङ्गलोरमा छु अहिले। बेङ्गलोर कहाँ हुनुहुन्छ नि? बेङ्गलोरमा यता जलाली वेस्ट। अच्छा पढ्छु। राधिका हाउ आर यू? सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो हाउ आर यू एंजॉयिंग बेंगलोर? आर यू बेंगलोर नाउ? यस नो चेन्नई यार? या आई एम इन बैंगलोर। सो यू हैव शिफ्टेड टू बेंगलोर? ओके सो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम और समथिंग? डू यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन और एनीथिंग अबाउट आलुमा सिंबल? इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन शेयर टू मी प्लीज, अदरवाइज वी विल गो थ्रू द अदर सिंबल। ओके और आपको क्या क्या अनुभूति हुई? सो ऑब्वियसली मैंने वहां पे एज अ ग्रुप में भी पूछा था आप लोगों को, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस यू कैन आस्क मी। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरे को बस यही था, अदरवाइज इट वाज वेरी गुड। आई हैव डन इट इन माय रूम, द होल एनवायरनमेंट गॉट चेंज्ड, एंड आल्सो बट आई ऑब्जर्व दैट माय बॉडी गॉट लो ड्यूरिंग दीज 2 डेज। व्हेनेवर आई ड्रिंक इट एंड एट नाइट आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग आई गेट लो। तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आपको क्या चीज लगा कि अगर आलुमा सिंबल प्रोटेक्शन करने के लिए जब आप ऐसे कर रहे हो तो व्हाट माइट बी द रीजन फॉर यू टू गेटिंग दैट लोनेस? Obviously, there must be negative things surrounding me. That's why like Yes. things are going away now. Now, finally, the thing is, he started a war against them. Yeah. आपने वार स्टार्ट कर दिया है तो Yes. ओके So is it quite okay if I'm feeling like low at health? It's quite okay. That is totally okay. Minimum भी आपको 3 to 7 days people feel like that. Okay. Okay. So 3 to 7 days के बाद they started to feel better. Okay. It is because suppose someone is controlling you, someone is controlling your life, someone is controlling your system for a very long time. Okay. And someone is in your house. जब कोई पहले आपको कंट्रोल कर रहा है, जब कोई आपकी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, जो कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, यस एंड मान के चलो किसी ने आपके घर के ऊपर कब्जा जमाया फॉर अ मेनी ईयर, पहली बार आपने उसको क्या दिया, चैलेंज दिया कि अब मेरे घर छोड़ के जा, फर्स्ट टाइम यू हैड टेल देम दैट नाउ गो अवे फ्रॉम माई हाउस, वॉट विल बी द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन? यस सो दैट द रिएक्शन विल बी नॉट पॉजिटिव, रिएक्शन पॉजिटिव तो नहीं होगा, राइट? ओके मेनी ईयर दे हैव कैप्चर योर सिस्टम, मेनी ईयर दे हैड कैप्चर योर कंट्रोल, मेनी ईयर आई मीन दे आर डूइंग बैड अबाउट यू, फाइनली यू स्टार्टेड रिवेलिंग and finally you have started protecting yourself. पहली बार आपने अपने आप को प्रोटेक्शन लेना स्टार्ट किया, सो दे विल सरप्राइज इट फर्स्ट फर्स्ट टाइम दे विल बी सरप्राइज पहली चीज। सेकेंड थिंग, वंस दे गेट सरप्राइज ओके दे विल अटैक यू विद मोर पावर मोर एनर्जी, क्योंकि अब तक तो उनको अटैक करने की जरूरत नहीं थी आपको कि ऑलरेडी यू आर अंडर कंट्रोल, तब उनको और ज्यादा गुस्सा आएगा तो दे विल डू मोर। अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया आप जिस लेवल में थे और ज्यादा नीचे जाएंगे फिर।
तो इसलिए कंटिन्यू करते रहना है कभी भी, इसलिए हम बोलते हैं मिनिमम 7 days यू नीड टू डू इट, मिनिमम 7 days. इफ यू कैन डू मोर दैट इज फार बेटर, 21 days इज द बेस्ट, 41 days, 108 days, इफ यू कैन डू वॉट एवर इज अराउंड यू दैट विल गो अवे फ्रॉम यू, वॉट एवर इज देयर. बट ओके, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, you have started doing your own healing, you have started doing your own thing, protecting yourself, and those who had control you, right? Okay, that means they will first become more angry, they will first become more disappointed, and they will first become more surprised ki how can you, he started to do the rebel against them. उनको और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा इसलिए आ जाएगा कि उसको लगेगा कि आप पहली बार उनसे फाइट करने के मोड में आए हो. सो उनके पास जो भी हथियार होंगे, बहुत बड़े बड़े अस्त्र, अगर उनके पास तोप होगा तो तोप छोड़ेंगे, मिसाइल होगा तो मिसाइल छोड़ेंगे, एटम बम होगा तो वही छोड़ेंगे. सो दैट इज द रीजन, यस ओके, इसलिए आपको कंटिन्यू करना है. दीपिका जी क्लियर? यस सर. Everyone clear? हर एक लोग क्लियर है? Yes, मनीषा जी आप कैसे हैं? I think I saw you on that seminar workshop में, शायद आपसे मिला था ना? Now इसीलिए yes, so there are many times yes. At least you need to continue for a few days. If you have any question related to Aluma symbol, please let me know now. Otherwise, I will go to the second symbol. Okay. Second symbol, can you tell me what is our second symbol? This thing. Ek pushna tha. Like if we are somewhere where everybody is there and we are not able to draw the symbols in front of them, what do we do? How do we do it? So that is the reason why I told you many times are going away from a house. आप आपको protect करके जाइए. अच्छा, ठीक है. ठीक है. हाँ जी. Second thing is there are many people. Excuse me. I mean, I just want you to understand. There are many people. So how many people has seen? Okay, there are few people. Who can find the distinguish, I mean, on the taste of something? Have you seen someone working in a beer company or working on a 5-star hotel? They will taste something and they will say, this is totally different, but you cannot figure it out the different. आपने कभी देखा है कुछ लोगों को जो एज अ फाइव स्टार होटल में काम करते हैं, दे कैन टेस्ट इट एंड टेल दैट ओके तो इसमें वो चीज नहीं मिला है, बट यू कैन नॉट फिगर इट आउट. हैव यू एवर सीन सच पीपल इन योर लाइफ और ऑन अ टीवी? हैव यू एवर सीन दैट देयर आर फ्यू पीपल ऑन अ बियर कंपनी और अल्कोहल कंपनी, देयर जॉब इज ओनली टू टेस्ट इट एंड दे कैन फिगर आउट आइदर दैट इज गुड टेस्ट आर नॉट, एंड nobody outside people can understand about it. Have you heard about those people? Yes, especially for ladies. Yes, I mean for a woman, they have a very good sensing power of the nose power they have. They can, yes, they can smell the things. Kuch to gadbad hai. दया कुछ तो गड़बड़ है या? हाँ अभिजी सर कुछ तो गड़बड़ है, राइट? सो दे हैव सच टाइप ऑफ पावर, राइट? एंड एवरीबडी डज नॉट हैज इट. सो देर आर फ्यू पीपल हु कैन सी दिस थिंग, बट नॉट एवरीबडी कैन सी इट, राइट? देर आर फ्यू पीपल हु कैन सी द थिंग्स, बट नॉट एवरीबडी डू इज. यस, the thing is, even about your experiences, even about the experience or feelings,
even about the energies. That is the same thing that you will face. Many people who are more sensitive, or the people who are more kinesthetic, they can feel the energy. Okay, if you are kinesthetic person, yes, you can feel the energy. But if you are not kinesthetic, then that will be hard for you to feel the energy. Agar aap kinesthetic hai, haan, jarur, aapko cheeze feel hongi. If you are auditory people, you started to hear some type of sensation on your ear. When you are making those things, you started to hear something. But if you are a visual, so that will be a totally different thing. So doesn't matter that aapko experiences hua nahi hua. Many people can feel the energy. Many people does not feel the energy. Suppose, have you seen a rhinoceros? आपने उसको देखा, गैंडा को देखा, गैंडा, okay? So Nepal is famous for that rhinoceros, and it is said that उसको आप छुओ भी, okay? उसको चलाओ भी, that rhinoceros will feel that after 6 months only. आप उसको अभी जाके छुओगे, अभी जाके चलाओगे, that feeling will reach to the dinosaur after 6 months only. Okay, but if you touch a tiger, what will happen? Even tiger is sleeping, and if you even touch it, yes, right? Thoda sa bhi movement ho, thoda sa bhi awaaz aa jaye, tiger will awake. So every person has their own sensing abilities. So you don't have to compare either you are a tiger or a rhinoceros. There are many good points of having a tiger, but there are many good points of having a rhinoceros also. So don't judge yourself either you are a tiger or a rhinoceros. It is because aapki sensing capacity will determine ki aapko experience hua hai, nahi hua hai. ठीक है, यहाँ पे आपको जज नहीं करना है कि अगर आप मान के चलो that the tiger can hear every sound. So, do you feel that tiger can sleep? That will be very hard for a tiger to sleep. Those people who are very sensitive to the energy, their life is more hard. Because they can sense the energy all the time. They can sense the people. And when they understand that they can sense it, that is going to be the hard for them. क्योंकि मुझे पता है कि when I was 14, I got the power, that ultimate power that I could see the things, I could hear the things. मैं देख सकता था कि किसके लाइफ में कैसे होने वाला है जब मैं 14 का था. And believe me, for 3 months, I live a superstar life. That every people of the village, every people of the city come to me in order to know about their future. वो कहाँ पे जाना है, क्या क्या करेंगे लाइफ में, किसके साथ शादी होगी, उनकी मृत्यु कब होगी, वो सारे मुझसे पूछने के लिए आते हैं. एंड 100% उनको आंसर मिलता था, जवाब मिलता था, और वही होता था. बट फॉर 3 months आई सेड आई लीव अ सुपरस्टार लाइफ. बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज दैट ओके दे टेल समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दे टेल समथिंग बिहाइंड मी, एंड आई कुड इवन हियर दैट. और मेरे सामने कुछ बोलते थे और मेरे पीछे कुछ बोलते थे और वो भी मुझे सुनाई देता था. आई लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड, मैंने अपने सारे दोस्त को गुमाया. व्हाई? इवन इफ आई गो टू दिस स्कूल, माई फ्रेंड कम टू आई मीन आस्क्स मी कि एग्जामिनेशन में क्या कौन सी क्वेश्चन आने वाला है. आई डोंट हैव आई मीन टाइम टू प्ले, आई डोंट गॉट फ्रेंड. Then I lost my childhood of a 2 year childhood. I lost because of having a power. So every power or everything has a good point also, everything has a bad point also. So after 16, I meet my first seminar guru. Okay. So because of that power, I went through the depression and I start take the depression pill at the age of 15.
because of having power, because I was emotional only. I was not mentally prepared. I don't know what the game people will play with you. So you don't have to judge with other people, right? Clear head. You don't have to judge with other people. So that is the reason I'm telling you many times again and again, right? Okay. That don't judge yourself. Either you are sensitive, either if you can feel the energy or not. Okay. Even if you cannot feel that energy, that is totally okay. That is totally okay, because if you start practicing this, the person will come in front of you who need a healing, and if you do that healing, they will feel it. अगर आप गहना हो ठीक है, गहना ही रहने दो, क्योंकि गहना के भी बहुत ज्यादा फायदा है कि आप अच्छे तरह से सोच सकते हो, अपने लाइफ में मस्त हो सकते हो और आपको एनर्जी ज्यादा फर्क नहीं पड़ती. ज्यादा सेंसिटिव होना भी कभी कभी ज्यादा अच्छी बात नहीं होती. क्लियर है? सो देयर वर फ्यू पीपल हु आर आस्किंग टू मी. यस डिंपल जी, आर यू क्लियर हियर? यस. Now we'll go to our second symbol. Can you tell me what is the meaning of second symbol? Which was our second symbol? आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है. Amin. Yes. Amin, sir. Amin. Yes, true. Amin. The second symbol is very beautiful. थोड़े से बैकग्राउंड को ऑफ कर दीजिएगा. यस, सो दैट इज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड. यस, वंडरफुल. नाउ सेकंड सिंबल इज आमीन, राइट? ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आमीन इज दैट. ओके, आमीन. ओके, आमीन सिंबल विल यूजफुल टू रिमूव द फियर. क्या आमीन सिंबल कैचेस करेगा? फियर को रिमूव करेगा. सो हाउ मेनी पीपल आर देयर हु थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड दे स्टार्टेड टू गेट द फियर? हाउ मेनी पीपल आर देयर हु थिंक अबाउट द पास्ट एंड दे फील फियर? हाउ मेनी पीपल आर हियर हु थिंक अबाउट समथिंग इन देयर लाइफ, सम पर्सन, सम इंसिडेंट, सम एक्सीडेंट, यस, सम मोमेंट ऑफ देयर लाइफ और समथिंग पार्टिकुलर एंड दे फील फियर? Some people may feel fear for the examination. Some people may feel the fear for an aeroplane or a height. Some people may have a fear of a sound. Yes? How many of you are here? Please write. Yes? What type of fear you have? This symbol will help you to remove that fear of your life. That is known as phobia. Phobia to baad mein banta hai, sir. So, कहीं ना कहीं अगर फोबिया भी है, कहीं ना कहीं पे फियर तो आ गया है ना. हेलो. ओके, आई हैव अ फियर ऑफ अ टाइगर मेनी टाइम्स इन अ ड्रीम. I do have a fear of a future. This fear of a future is a very dangerous thing, sir. Because जब तक future के fear हो, आप as a future में बहुत सारे चीज़ कर नहीं सकते. पहली चीज़. Second चीज़, अगर second thing, this is the most important fear I will talk. If you have a fear of height, please इसको life से हटा दीजिएगा. जब तक आपके life में fear of height रहेगा, आप अपने ऊँचे जो as a post है, उस post में या life में ऊंची चीज हासिल नहीं कर पाएंगे. अगर आपको हाइट से फियर है, आप कभी भी समाज को लीड नहीं कर पाएंगे. ऊंची जो भी पोस्ट है उसमें आप जा नहीं पाएंगे. ओके, नाउ दिस सेकेंड सिंबल आमीन विल हैव टू रिमूव द फियर from your system. Yes, so
Suppose I want you to close your eyes at first, okay, and I want you to see that fear, okay, that if you have a fear of a future, I want you to see it. If you have a fear of a height, I want you to see that height and feel that fear. If you have a fear of a ghost, I want you to imagine that in front of you there is a ghost and you are having this fear, and try to figure it out who is part of your body is feeling this fear. Kaun si part hai? Okay, you have to figure out that. That can be your head, that can be your eyes, that can be your heart, that can be your body. I want to first figure it out who is part of your body is having this fear. Yes, see, this is heart. Heart, yes. Simple, yes. Stomach. Thank you, sir. Yes. Thank you, yes. Okay. Now, my stomach, okay, that's fine. I mean to say that you need to make this second symbol on the same part so that you can remove that fear. Did you understand? Your physical body, okay, hold this fear. Aapka physical body kahin na kahin pe fear ko hold karta hai. If you remove that part, us part se फियर को आप हटा दोगे, वहां से निकाल दोगे, यस, दैट फियर विल गो. नाउ व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज दैट, ओके, सपोज इफ यू हैव फियर ओवर हियर, यस, अगर यहां पे है, व्हाट यू नीड टू डू, यू आर मेकिंग विथ योर हैंड, यू आर मेकिंग दैट आई मीन सिंबल ओवर हियर. यहां पे आप आई मीन सिंबल बनाओगे 7 टाइम्स नाउ, ओके, एंड इमेजिन दैट, सो दैट द फियर इज चेंजिंग. So that the feeling is coming from your heart is going slow down in below your feet and going to the ground. Every time when you are making it, that is going down and down and going to the feet and feet. Are you clear here? That has to go down. Suppose if you have a fear on the right hand, you are making it with the left hand. Imagine that every time, so that the fear is coming down, okay, on the 7th time, that is reaching the feet and going to the ground. If your fear is on a head, agar aapka fear head mein hai, imagine that this fear is, you are making this Amin symbol, this fear is coming down, 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 and that is going to the ground. Clear? And I want you to do it now. Until and unless, yes, अभी आपको करना है. जहां कहीं भी फियर है उसको अमीन सिंबल से नीचे 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 लेके जाना है. Do it. You have 5 minutes. अभी करना है आपको.
Wherever you feel that fear. Amin symbol कैसे करते हैं? Amin symbol. Okay, Amin symbol. मैंने वहाँ पे कोई अगर उसका भेज देगा क्या? ग्रुप में? Amin symbol को? Yes, Amin symbol आप पे एक बार भेज देंगे ग्रुप में जो मैंने भेजा था. Someone please send that Amin symbol on a group. हेलो सर. हाँ जी बोलिए. मतलब बॉडी पार्ट में यदि हमको अमीन सिंबल ड्रॉ करना है और कहीं फील नहीं हो रहा है तो फिर हम कहाँ करें? आपको फियर अगर है लाइफ में किसी न किसी चीज से, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे आपके बॉडी में फियर होनी ही चाहिए. अंटिल एंड अनलेस जब तक आपके बॉडी में फियर ना हो आपको कभी भी फियर नहीं होगा. तो ये अपने को थ्रोट चक्र का नीचे ही करना है या फिर हार्ट ये हेड पे भी कर सकते हैं? आप कहीं पे भी कर सकते हैं मगर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फियर कहाँ पे फील हो रहा है पहले. तो सर पानी से डर लगता है पर फियर कहीं फील नहीं हो पा रहा है. सपोज आपने पानी पानी को देखो आंख बंद करके तो आपके कोस फियर कहाँ पे है? आपके सिर में हो सकता है, आपके हार्ट में हो सकता है, आपको कहीं पे भी तो हो सकता है ना. इससे पहले पानी को देखना है आंखें बंद करके. सपोज आपको वहीं पे डर लग रहा है मगर वो डर कहाँ पे लग रहा है? अच्छा ओके. यू हैव टू फिगर दैट आउट ना. जब तक आप उसको फिगर आउट नहीं करोगे उसको हटाओगे कैसे फिर? जी ठीक है ओके. Vijayanti ji, someone has sent that Amin symbol on a group. In the group or in the chats? On the chats of the group, I mean on a WhatsApp group. Lama Ferrer. Yes. Now tell me, how are you feeling? How good are you feeling now? How many of you had done and how much fear has been reduced? You need to unmute yourself and then talk, okay? Yes. I'm in similar days. Yes, sir. So how do you feel, sir? Yes, Realme One. Light. I'm feeling there's something emptiness in my stomach. Yes, good. Now see what is the power of this symbol. Yes, you have to do more and more. Suppose if you are fear of having a lot of money, if you are fear of having something in your life, jab tak wo fear aapke saath rahega, you cannot attract, I mean, a big thing in your life. I'm feeling very free. Very? Free. Free, wonderful, yes, wonderful. We can do in odd numbers, 7, 9, 11. Yes. I did it for 11 times on my stomach and my heart, and I really felt like something is going down from my feet, and my feet was like spreading heat out of that. That is wonderful, Dipali. Deepika. Deepika, yes. Deepika, sir. Hello. Actually, I have multiple fears. Yes. So I cried only at heart chakra. I'm sitting down, so I see something going down, like I have a fear of height. Dream, you know, falling from height. And my second fear is insecurities of future. So I know I have to practice a lot, but I could only feel it at my heart and my stomach. So I could only do one. Fine, ma'am. That is totally fine. I want to see the fear future. First, feel that fear and figure it out which part of your body is feeling that.
and then remove it. Obviously, if you start removing that fear, okay, dekhenge, hata denge, dekhenge, hata denge, dekhenge, hata denge, within a few days, your mindset will be totally different and you start getting the more clarity of your future. You start getting the manifestation for your future also. Actually, I see more of, you know, energies around me. I feel them with me. I get scared. To do. I couldn't speak that time when you were telling as a youngster you had this power. I had the same powers. Now when I sleep in the night, I can feel energy next around me. I have a dog who really barks seeing that direction. And it scares me. I feel someone sitting on the corner of my bed. So I'm scared of these energies. I don't know how to, you know, now work with them. So that is the reason why I tell you on this class many times, becoming a tiger is not a good thing. Many times becoming a rhinoceros is a very happy thing, and people do not realize that becoming a rhinoceros is a wonderful thing. Jo already tiger ka jeevan jee chuke hain unko pata hai ki kitna mushkil hoti hai. It is really difficult, very difficult, you know. And actually that's why the first question I asked you first day was, how do you find a guru? You said guru will find you. Yes, guru will find you. If you are ready, yes, guru will find you. My journey is really difficult. But one thing I will tell you, okay? Yes. Dattatreya has 24 gurus. Uh-huh. So I have around 15 to 20 gurus. Okay. Pandita? Yeah, obviously. Multiple gurus is okay. That's totally okay. Why not? Almost every people, when you see, they learn from many, many people. Okay. Okay. So the concept I was having is when to find the right guru. Yes. So that concept is wrong. Totally wrong, man. Because I get drawn towards people and then I join. See, I don't know. I can't read aura, but seeing you was something I had to join you. You know, I saw your YouTube video and I had to join, so I'm here. Otherwise, it's I don't know, I'm a little different and I want help to be on this journey. Though I practice a lot, all your symbols I'm doing very diligently. Feel good. Yes. Thank you. That is wonderful, Binazi. I mean, Binazi, I'm really happy that there are some more tiger are here and they can say tiger banna kitna mushkil hota hai. Bahut. Bas abhi to hum yahi se bol sakte hain, tiger jinda hai. Bahut. Phir bhi tiger jinda hai. Phir bhi jinda hai. Bilkul theek keh rahe hain aap. Bilkul theek keh rahe hain. Thank you. Haan ji, Anu ji. Yes. How do you feel? I'm also feeling very light. Very light, yes. Yes. Hello. Haji Manisha ji. Haji Manisha ji. Hello. Haji Manisha ji. Sir, I'm also feeling very light because I did the Lima symbol. Hello, sir. Hello. Haji. Hello. Haji, boliye. Haji Manisha ji. आपकी आवाज आ रही है. हेलो. हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है. हेलो सर, आर यू एबल टू हियर मी? यस. सर, एक्चुअली कल यस्टरडे व्हेन आई डिड द एल्युमा सिंबल्स, सो सिंस मॉर्निंग आई वाज हैविंग मतलब आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल एंड आई all energy has been saved up, so you have cleared that out. But now when I did this symbol, my stomach has already gone. आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. हेलो. हाँ जी. हेलो सर. राइट. यस, क्योंकि ना आपकी आवाज में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है मनीषा जी. ओके सर, आई विल राइट इट इन वर्ड्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. राइट. ओके 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 सर. एनीवन हैज एनी गुड एक्सपीरियंसेस, आप बस बोल सकते हैं अभी. राइट. हेलो. हाँ जी. अच्छा जी. हाँ सर, माय एक्सपीरियंस वाज लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्रैक्टिस और राइट द सिंबल्स और देन आई यूज्ड टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय समवन और द अदर.
But when I did in sequence, first I did the Aluma, then nobody disturbed me and I was peacefully able to do my practice. So all the psychic attacks which were coming, you know, they all stopped. Wow, that is wonderful. Yes. Yes, yes. Very good. Very nice. Awesome. Now, this was about our sir, second sir, yes? Please, can I say something? I don't have any fear. So what should I do? Great. That is a wonderful thing. Now, agar aapke paas fear nahi hai, to aap fear ko kyun bulaoge, right? Haan, sahi baat hai. Phir kuch karna. Kuch bhi na karo. That is part. No, no. Hello. Haan ji. Hello. Haan ji, Sanjeev ji. Sir, mujhe kuch bhi mehsoos nahi hua sir, ye symbol ke baad. Maine itni der. Hello. I was talking about the same topics, right, sir? About the tiger, about the rhinoceros, everything. I talk about it, right, sir? Yes? Yes. So just take that. If there are many people who are rhinoceros, there are many people who are tiger. And here, you tiger has shared that experience and tell what happened. If you can feel the energies, okay? Okay. Sir? Haan ji. यदि हमें सिंबल याद है तो इंडेक्स फिंगर से ड्रॉ करना जरूरी है या हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं नहीं यू नीड टू यूज इट आपको यूज करना है या इधर यू यूज दिस अगर आपके पास ये नहीं है तो यूज दिस ओके क्लियर है अगर अच्छा आप इसकी ई भी नहीं है अगर आप इंडेक्स फिंगर से भी नहीं करना चाहते तो यू कैन यूज द रोज ब्रांचेस हैविंग अ ट्रॉन उसमें जो ऐसा कांटे होते हैं ना उस कांटे के साथ आप वन बना सकते हैं फॉर पर्सनल यूज बट उसको पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा अगेन एक बार आप वो बनाते हैं तो उससे भी काम चलेगा मगर विदाउट दैट फोन दैट विल नॉट वर्क उसको केवल उसमें फोन भी चाहिए वन वन बनाने के लिए जादुई छड़ी बनाने के लिए वन भी चाहिए उसमें जो रोज की वो भी चाहिए आपको You can't use crystal wands. You can use it, but you need to, I mean, make it a siddha, na? Pehle jab tak aap usko siddha nahi karoge. This is made from crystal itself. Okay. Aap awaaz aa rahi hai? Ji ji. Okay. So this also have a crystal inside it. Yeah. Clear ji? Yep. Now. I hope that आपको अमीन सिंबल का पता चल गया है सो वील हैव अनदर फोर क्लास एंड आई विल टुमारो सेंड यू द टाइमिंग फॉर अटेनमेंट विद बस आपको अपने टाइमिंग उसमें लिख के भेज देना हेलो हाँ जी ऑल सिंबल्स विल बी अट्यून्ड हेलो यस ऑल सिंबल विल बी अट्यून्ड एट वंस एंड देन अभी भी हमारे मोर देन फाइव क्लास बाकी है फाइव क्लासेस ओके can I show you my crystal wand? What I use? Yes. Hello. Deepak ji. Haan ji. Can I use these kind of wands? Like this is a tourmaline wand with seven chakra balancing. Seven chakra balancing. एक बार ना मुझे उसकी फोटो भेज दीजिएगा. And this is the phantom. The this one is better. Yeah. So I can use this. Yes. Because आपके जो पहले वाली सेवन चक्रा हीलिंग वन से ज्यादा सेकंड वाली में पावर है एनर्जी है ओके 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 दिस इज मोर पावरफुल देन वन दैट दैट फर्स्ट वन थैंक यू क्रिस्टल पेंसिल्स मेरे पास भी हैं हां क्रिस्टल पेंसिल्स मेरे पास भी हैं तो हम इनसे भी ड्रॉ कर सकते हैं यस क्यों नहीं ऑब्वियसली आपके पास उतने बड़े हथियार है तो हथियार यूज करो ना तो कौन सा क्रिस्टल सबसे अच्छा होता है सर अभी देखो एवरी क्रिस्टल हैज देयर ओन प्रॉपर्टीज पहले चीज तो यही कि अभी यहाँ पे हम कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा नहीं हमें वी नीड अ पॉइंटेड क्रिस्टल जो लंबा हो जिससे हम ड्रा कर सके जी जिसको हम हाथ में पकड़ सके ऐसे एटलीस्ट ओके एंड वहां पे हाथ में पकड़ना ही नहीं है योर फिंगर शुड बी दिस वे ओके क्लियर है सो दैट आप क्रिस्टल से तो बना रहे हो बट इसको डायरेक्शन कौन दे रहा है दिस फिंगर सर यू कैन नॉट कैच दिस वे यू नीड टू कैच दिस वे ओनली इंडेक्स फिंगर
सर जैसे अपन सिंबल्स ड्रॉ करेंगे तो इनकी चैंटिंग भी करना होता है क्या? चैंटिंग यस, अभी तो और भी 4-5 क्लास बाकी है तो फिर वो इस क्लास में कुछ ना कुछ रखना तो पड़ेगा राइट। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, पहले से आप एक दिन में 10 चीज आपको सीखना नहीं है, एक चीज सीखोगे उसमें कंप्लीट हो जाओ ना पहले। ओके हमें जैक ऑफ ऑल मास्टर नॉन नहीं बनना है, वी नीड टू बी द मास्टर ऑफ समथिंग, हमें हर चीज के जैक नहीं बनना है राइट। And many people are jack of all, master of none. हमें उस पर कर। Hello. हाँ जी। Sir, hello. Are you able to hear me? Yes, we are able to hear. Sir, when I did the Eluma symbol last night, today the whole day I was having lot of problems, stomach ache, everything. But since using this Amin symbol only 7 times in one go has vanished my stomach ache. Right. Yes, wonderful. Now in hardly 1 minute. Now, that is wonderful, Manisha ji. I mean to say in 1 minute. Yes. Thank you so much, sir. But another, I have got one more query. Suppose we have children and other people in our home who have got fears. Hello. Use hello. Symbol, yes. Sir, बच्चों के लिए can we use it? Suppose a child has a fear of not able to speak out in public, or if he has got a fear of something else. So, करो उनको पहले करो बोलो कि फियर कहाँ पे है। यस सर। पहले और उसको बाद बोलो कि आई एम नाउ ड्रॉइंग दिस सिंबल। ओके। हर बार इमेजिन कर रहा है कि आपका वो फियर नीचे 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 जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है। यस सर, आई एम एबल टू फील इट बिकॉज जस्ट जितना आपने बोला उसमें वो मतलब द होल डे आई वाज सो अनकंफर्टेबल बट डूइंग इट जस्ट अभी आपके सामने सामने इट हैज वैनिश्ड। मैंने क्या बोला? हाँ सर, इसलिए मैं वहां पे लिख के सारे चीज आपको डेमोंस्ट्रेशन तो सिखा नहीं सकता। हाँ सर, सारे चीज गाइडेड ही करना होता है मास्टर। हाँ सर, एंड सर हाउ मेनी टाइम्स वी कैन कंटिन्यू इट लाइक टिल द टाइम वी फील दैट फियर हैज कंप्लीटली वैनिश्ड। कंप्लीटली यस, बट एवरी टाइम यू शुड डू इट ऑड नंबर। ओके यस सर, यस सर, ठीक है, क्लियर। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके इतना ही करते हैं। ट्रैवलिंग टू कलकत्ता टुमारो, अगर वहां पे कलकत्ता में होटल में अगर वाईफाई है तो विल डू अ लाइव सेशन अगेन टुमारो 9:30। अगर कलकत्ता के होटल में अगर वाईफाई नहीं है तो वी विल डू आई बैक टू दिल्ली। तो इसलिए मैंने अभी ही आपको ये सब बता देता हूँ, मगर सैटरडे एंड संडे मैं आप लोगों को एक फॉर्म भेजूंगा आज या कल तक सुबह तक। सो यू नीड टू चूज योर टाइम लाइन सो दैट मैं आप लोगों के उसी टाइम के अनुसार मैं आप लोगों को अटेंडमेंट दे दूंगा। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड माय स्टाफ टू प्रिंट ऑल योर पिक्चर फॉर मी। ओके, वो मुझे आप लोगों के पिक्चर प्लस आपका नाम, आपकी जो एज अ फुल नेम है प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे दे देंगे। ओके, एंड विद द टाइमिंग सो आई विल सेंड यू द गाइडेंस कि आपको क्या करना है ड्यूरिंग दैट अटेंडमेंट। सो द फर्स्ट अटेंडमेंट विल बी सैटरडे मॉर्निंग 5 AM। आपको सैटरडे मॉर्निंग 5 AM से पहले ही उठ के ओके नहा धोवा के 5:00 एग्जैक्टली एज अ रेडी होके बैठना है। आई विल सेंड यू मोर डिटेल अबाउट इट आफ्टर टुडे और टुमारो। क्लियर है? यस सर। आई होप यू वेरी वेरी वंडरफुल डे। बाय द वे यहाँ पे हमारी मनी मैनिफेस्टेशन क्लास चल रही है फ्री। ओके, अगर आप उसमें आना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन दैट बिकॉज एवरी टाइम The people who do it many times, okay? अगर आपने पहले भी join किया है फिर भी उसको join करके फिर से practice कर लीजिएगा। The more you do it, you start manifesting your future more clearly. Yes? Sir, एक सवाल मेरा। हाँ जी। Hello sir. Hello. हाँ जी बोलिए। Sir, actually, I had spoken about the fear of the future. Hello sir, can you hear me? हाँ जी संदीप जी। फ्यूचर विच इज गोइंग टू हैपन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड ऑल
And I had a very confidence earlier about myself and about everything which I did. In my every deed, I had a confidence reflection. With this person, by predicting something, tried to demolish and tamper that confidence in me. Mm. And I was worried about these things for quite a long period, last 3 months. Mm. But during this session, it really vanished in a second. I'm really happy and thankful for that. And it was a great experience. Actually, I had my meditation and all these things happening since childhood. I've been a tiger actually, and somehow someone tried to superimpose something. And that's the reason I asked you how to hide your aura or something like that way. And it was, the impact was so negative that it was very difficult for me to stand at certain level. Mm. And that's the reason I joined this group, basically with the intention that I can heal myself. Right. And this has taken care of in very well. And I think that the superpower, the Almighty, has really guided me to come out of the shit which was someone has pushed me in. And I'm really thankful for that. And I hope that such kind of fear may not come to me again. And you have given me a real path where I can really vanish this. Now, sir, you have that weapon. Agar aapke saamne aa bhi gaya, now you know what to do about it. You, right, you have already learned about your self-defense. Right, sir. Right? Agar aapne pehle kung fu karate seekh liya hai, then now you have already become Bruce Lee. Okay, Jet Li, Jackie Chan has. इसे कर देना फिनिश है क्या दैट इज इजी ओके सर थैंक यू वेरी मच यस शालिनी भट्ट जी यस आपका सर वो मैं फेसबुक में नहीं हूँ तो मैं अपना होमवर्क कहाँ सबमिट करूँ शालिनी जी ने मैंने यही बोला कि आप अगर हो सकते हैं तो अगर कोई एक्स्ट्रा फेसबुक आईडी बना लीजिएगा जस्ट अगर आपका रियल नेम से भी नहीं हो तो भी चलेगा वोटा की अगर 500 लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे या फिर तो व्हाट्सएप में करेंगे एक तो मेरे पास उतने ज्यादा टाइम नहीं है आपको पर्सनली मैसेज करूं आपसे ऐसा उसको डाउनलोड करके देखो दूसरी चीज 500 पीपल ने एक बार में मैसेज भेज दिया तो मेरा ऑलरेडी एक आईफोन तो चला गया अभी यहाँ पे दूसरा फोन भी जाने वाला है ओके सर ठीक है तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ना क्योंकि ज्यादा मैसेज होने से ना फिर हम एज अ व्हाट्सएप को फॉर्मेट भी नहीं कर सकते कि सारे के सारा डाटा ऑलरेडी है ओके सर यस थैंक यू आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय सिचुएशन आल्सो यस सर ओके थैंक यू ओके देन सो हैव अ गुड नाइट एवरीवन थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच गुड नाइट